हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने इस वीडियो में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो आपका आज बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर है, जो कुछ क्वेश्चन हमें बहुत मुश्किलों से मिल पाए हैं। दोस्तों से कांटेक्ट करने के बाद में ये क्वेश्चन मिले हैं, तो हम आपको बताएंगे इनके आंसर। क्वेश्चन सबसे पहले हमें एक ये मिला है, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और दूसरा वाला जो पेपर आपका 5 बजे छूटेगा, आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे उसके आंसर। 5:20 तक आपको हम यहाँ पर आंसर देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन था एक हमें मिल पा रहा है पावक। पावक का आपसे संधि पूछा गया था, तो पावक में संधि क्या होगी? तो जो लोग ये करके आए हैं पौ धन अक, जिसने भी पौ धन अक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, जो पावक का संधि विच्छेद पूछा गया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन हमें मिल पाया है रटाई। रटाई में आपसे प्रत्यय पूछा गया था, तो रटाई में जो प्रत्यय होगा आपका आई, जो भी आई करके आया है रटाई में जो प्रत्यय आएगा वो आपका आई आएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और हमें मिल पाया है, जो आपका महोत्सव में संधि विच्छेद पूछा गया था, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर जो लोग महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव करके आए हैं उनका ये संधि विच्छेद बिल्कुल सही होगा, महाधन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिल पाया है कामायनी। अब हमें सही तरीके से ये क्लियर नहीं हो पाया है कामायनी के रचनाकार पूछे गए या कामायनी में सर्ग पूछे गए, तो आपको दोनों बता देते हैं। 15 सर्ग हैं कामायनी में और रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगर रचनाकार पूछे गए हैं तो जयशंकर प्रसाद जी, और सर पूछे गए हैं तो 15। नेक्स्ट हमको एक मिल पाया बहिर्मुख। बहिर्मुख में समास पूछा गया है, तो बहिर यानी यहाँ पर उपसर्ग आपका दिया गया। हमने आपको पहले ही बताया था, आप लोगों को अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं तो जो लोग हमारी क्लास लेते थे उनको पता होगा बहिर्मुख में अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि बहिर जो आपका आगे दिया गया उपसर्ग है। इसके बाद में बात आती है पुरुषोत्तम, एक समास इसमें भी पूछा गया था, तो पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म धाराएं समास। तो आप लोग इसको, जो लोग करण धाराएं करके आए हैं और बहिर्मुख में जो लोग अव्यय भाव करके आए उनका सही है। नेक्स्ट पूछा गया रसगुल्ला। रसगुल्ला में आपका यानी रस में डूबा हुआ गुला, कहने का मतलब यानी अधिकरण तत्पुरुष आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर अधिकरण दिया गया है तो आप अधिकरण तत्पुरुष करना, नहीं तो तत्पुरुष तो आपको एक ऑप्शन दिया ही गया होगा, तो आप तत्पुरुष आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था सर से लेकर पांव तक, तो आपको बता दें सर से लेकर पांव तक आपका होता है अपाद मस्तक। आपाद मस्तक, तो आपा यानी पाद मतलब पैर होता है, मस्तक मतलब सिर होता है, तो आपाद मस्तक जिसने किया है उसका सही हो जाएगा। अगला आपको बता दें जीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है अरुण जेटली स्टेडियम, तो ये आपका नई दिल्ली में, तो आप लोगों को याद होगा नई दिल्ली, अगर जिसने नई दिल्ली किया है उसका सही है। अगला पूछा गया था वायु में ध्वनि का वेग यानी वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड, जिसने भी किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मोदी का शपथ ग्रहण पहली बार कब हुआ, तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, आपको पता है शपथ ग्रहण की जब बात आए तो 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण हुआ था, 26 मई 2014 को। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब परिवर्तन हुआ था, यानी कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनाई गई थी, तो 1911 में, याद रखिएगा 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली बनी। अगला पूछा गया था सतलज का प्राचीन नाम, तो सुतुद्री नदी जो है ये सतलज का प्राचीन नाम था। अगर उत्तर प्रदेश में जिले आपसे पूछे गए थे 75, जिसने भी आंसर ये किया उसका भी सही है। अगला पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो आपका आंसर रहेगा 22 भाषाओं को। ये सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं, जो लोग पहले से पढ़ते थे उन लोगों को पता है, भले ही बीएड के नाम से ना पढ़ाए गए हों, किसी भी नाम से पढ़ाए गए हों, टेट सीटेट के नाम से पढ़ाए गए हों, पर सारे उपलब्ध हैं। अगला पूछा गया था माई कंट्री माई लाइफ, तो ये जो पुस्तक है ये लाल कृष्ण अडवाणी की है, जिसने भी लाल कृष्ण अडवाणी किया है उनका सही है, तो सभी लोग याद रखना किसने क्या किया है और अगले आगे से भी याद रखना। अगला पूछा गया था पहली महिला महानिदेशक भारत की, हमें जैसा क्वेश्चन मिल पाया है भारत की पहली महिला महानिदेशक थी पंचम चौधरी भट्टाचार्य, यानी भट्टाचार्य जो करके आए हैं उनका आंसर सही। अगला है केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अगर ये पूछा गया तो पिनराई विजयन थे, तो वहाँ आप लोग याद रखिए जिन्होंने विजयन किया है उनका आंसर सही है। अगला है पहले लोकसभा अध्यक्ष, तो ये तो भैया सभी को पता होगा कि जीबी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे मावलंकर, तो जिसने भी जीबी मावलंकर किया है उसका आंसर सही है। अगला है आलू किस भाषा का शब्द है, तो भैया पुर्तगाली का शब्द है, जो भी पुर्तगाली करके आए हैं उनका आंसर सही है। और इसके बाद में अगला है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया था, तो जिसने 5 आंसर किया उसका सही है। नेक्स्ट है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन हमें मिल पाए थे, 22 क्वेश्चन जो हमें अपने दोस्तों से, जो हमारे दोस्त एग्जाम देने गए हैं उनसे मिले हैं,
तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों हम आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो आपको 5:20 तक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।